अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज मैं कल का आपको बता दूँ, कल की थोड़ी सी रेसिपी रह गई थी क्योंकि अरमान ने जो है वीडियो डिलीट कर दी थी तो वो मैं पूरी डाल नहीं पाई। तो मैं आपको बता दूँ आटे में मैंने क्या क्या डाला था। बेसनी रोटी और उसमें आटे में क्या थी, उसमें तेल थोड़ा सा और ज़ीरा और नमक डाला था। बेसनी जो मैंने रोटी बनाई थी आटे में ये डाला था, 1 किलो बेसन था, आधा किलो आटा था। और दूसरा जो टमाटर की चटनी थी उसमें टमाटर डाले थे, 1 किलो प्याज और ज़ीरा था जो मैंने सोते कर लिया था, नरम कर लिया था, और उसमें 1 किलो टमाटर डाले थे मैंने। इमली डाली थी बड़ी वाली, हरी मिर्च डाल के उसको अच्छी तरह भून लिया था, और नमक और कुटी हुई मिर्च डाली थी क्योंकि मेरी एक वीडियो मेरे बेटे ने डिलीट कर दी थी। और आपसे आज वीडियो मेरा बनाने का बिल्कुल मूड नहीं था, तो प्लीज़ आपसे यही रिक्वेस्ट है कि मेरे अरमान के लिए दुआ करें यार, वो बहुत तकलीफ़ में है। प्लीज़ जितनी हो सके आप उसके लिए दुआ करें, मेरा बेटा बहुत तकलीफ़ में है। अभी वो बंधा हुआ था और यकीन करें मुझे धम करके आवाज़ आई है, मैं कमरे से भागी हूँ और एकदम वो गिरा है सर के बल और उसको फिर पड़ गए, वो पूरा नीला हो गया था। प्लीज़ मेरे बेटे के लिए दुआ करें, आप मुझे दुआ दें ना दें लेकिन मेरे बेटे के लिए दुआ करें। और ये चैनल जो है मैंने उसी के लिए बनाया है, किसी के लिए नहीं बनाया, मैंने अपने बेटे के लिए, अपनी मदद के लिए बनाया। तो प्लीज़ जितना हो सके इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मेरे बेटे के लिए दुआ करें जितना हो सके। अच्छा जी, क्योंकि आज मेरा दिल बहुत ख़राब हुआ उसे देख के, जिस तरह वो गिरा है और एकदम झटके लेना शुरू कर दिए और पूरे नीले पड़ गए थे, उनके होंठ, उनकी आइज वगैरह सब नीली पड़ गई थी। तो प्लीज़ उनके लिए दुआ करें आप लोग, पता नहीं अल्लाह ताला कब जाके किसकी दुआ मेरे बेटे को लग जाए, तो प्लीज़ मेरे बेटे के लिए दुआ करें, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, हम जो बना रहे हैं मूंग की दाल की खिचड़ी बना रहे हैं, लेकिन हम ये चटपटी खिचड़ी बना रहे हैं। ये यहाँ मैंने टमाटर ले लिए हैं, 3 अदद ये टमाटर है, यहाँ कुटी हुई मिर्चें हैं, इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट है और ये टमाटर है ऊपर जो है पड़ा हुआ, अदरक लहसुन का पेस्ट है और हरी मिर्चें दरमियान से 5-6 अदद हरी मिर्चें हैं और कुटी हुई मिर्चें हैं, ठीक है। यहाँ मैंने पुदीना ले लिया है और यहाँ मैंने घी गरम कर लिया था, मैंने ये खिचड़ी घी में बनानी है क्योंकि इसका टेस्ट अलग आता है। ये प्याज है और इसमें सारा साबुत गरम मसाला है और ज़ीरा है जो हम लाल ब्राउन कर लेंगे, उसके बाद ये आधा किलो की खिचड़ी की रेसिपी मैं आपको बता रही हूँ। अच्छा जी, ये देखें प्याज हमारी लाल हो गई है, ये जो मैंने आपको बताया था कुटी हुई मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट, ये हम इसमें डाल देंगे, ये बहुत मज़े की बनती है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे हम ताकि मसाला हमारा लगे नहीं, ये हमने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है। अच्छा, ये टमाटर हैं जो मैंने लिए थे, ये टमाटर डाल देंगे इसमें 2 अदद। ये आधा किलो की रेसिपी मैं आपको बता रही हूँ। और अच्छा, यहाँ हम इसमें शामिल कर देंगे नमक, अपने टेस्ट के हिसाब से नमक हमने डाल दिया है, बाद में हम थोड़ा सा चख लेंगे, अगर कम या ज़्यादा होगा, ज़्यादा तो कमी होगा, कमी होगा लेंगे। अच्छा, यहाँ मैंने पुदीना जो धो के रख लिया था, ये पुदीना हम इसमें डाल देंगे। एक पहले मैंने आपको खिचड़ी बताई थी, वो जो मैंने खिचड़ी बनाई थी वो सादी खिचड़ी थी, ये जो है ये मसाले वाली खिचड़ी है जो मैं इस पर बना रही हूँ। और इसके साथ जो हम पेश करेंगे यानी कि जो हम खाएंगे इसके साथ, जो मैंने कल बेसनी रोटी के साथ चटनी बनाई थी प्याज और टमाटर की चटनी, तो वही हम इसके साथ खाएंगे क्योंकि वो इसके साथ बहुत ज़बरदस्त लगती है। अच्छा, हरी मिर्चों के आप ये देखें, हरी मिर्चों के मैंने इस तरह 2 पीस करके डाल दिए थे, तो ये मसाला भी हम भूनने के लिए अपना रख देंगे, इसको कवर कर देंगे। 10 मिनट के बाद हम इसमें अपने चावल डालेंगे जो हमने ये देख सकते हैं मूंग की दाल और खिचड़ी के चावल जो हमने भिगो के दिए हैं, 10 मिनट बाद हम इसको डालेंगे जी। हम इसका कवर हटाएंगे और देखेंगे मसाला हमारा बिल्कुल रेडी है, टमाटर भी हमारे भून चुके हैं। अब हम इसमें अपनी जो खिचड़ी के चावल हैं वो ऐड कर देंगे। ये मैंने अच्छी तरह पानी से निकाल के ऑल वॉश कर लिया था, फिर मैं ये हमने इसमें डाल दिए, हमें जितना इसमें पानी चाहिए होगा वो हम इसमें ऐड करेंगे, इसमें पानी डाल देंगे, पानी हमने इसमें डाल दिया है। एक मैंने बनाई थी सादी खिचड़ी और ये मैंने बनाई है मसालेदार खिचड़ी, इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे हम, जितना हमें चाहिए लगभग, बस हमने इतना डाला क्योंकि चावल हमारे भीगे हुए थे काफ़ी देर तक, तो हमने इतना पानी डाला है। हम इस पर नमक चेक करेंगे जी, नमक हमारा थोड़ा सा कम है तो हम इसमें नमक डालेंगे, नमक आप चेक कर लीजिएगा ज़रूर और अपने टेस्ट के मुताबिक नमक आप इसमें डालिएगा प्लीज़।
अच्छा जी, हमने इसमें नमक डाल दिया है। अब हम इसको कवर कर देंगे और 10 मिनट बाद हम अपना कवर हटा के इसको देखेंगे और फिर हम इसको दम पे रख देंगे। बस हाँ जी, ये देखें, हमें 10 मिनट हो गए और इस वक्त इसकी खुशबू इतनी ज़बरदस्त आ रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये देखें, मसालेदार खिचड़ी का कलर आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त है। हम इसको अब दम पे रख देंगे। ये देखें, अभी हमने इसमें सिर्फ पानी का छींटा लगा दिया थोड़ा सा और अब हम इसको दम पे रख देंगे और फिर इंशाल्लाह 15 मिनट बाद हमारी खिचड़ी, देखा आपने कितनी झटपट बनने वाली चीज़ है और डिश है और जायके में भी मज़े की और मौसम के लिहाज से भी। अब हमने इसको कर दिया कवर, अब हम इसको 15 मिनट बाद देखेंगे। हाँ अच्छा, ये देखें हमारे चावल दम हो चुके हैं। अब हम इसको प्लेटर कर लेते हैं बहुत अच्छे से। जी ये देखें, ये चावल हमारे कितने ज़बरदस्त से दम पे लग चुके हैं। अगर आपको पसंद आए और प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।